पब्लिक टीवी आपकी आवाज। परिवार नियोजन कानून के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नोएडा में नमाज प्रतिबंध को लेकर ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज ने कहा कि जब भी कोई कानून आड़े आता है तो ओवैसी उसे धर्म से जोड़ लेते हैं। मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए, इसके लिए वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि चाइना की तर्ज पर एक बच्चे होने की वकालत करते हुए इस कानून को देश में लागू करने की जरूरत बताई। नोएडा में पार्कों पर नमाज प्रतिबंध को लेकर गिरिराज ने कहा कि कानून का पालन होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जैसे कई लोग अब अपनी जुबान खोलते हैं तो कानून को धर्म से जोड़ देते हैं। गिरिराज ने कहा कि ऐसे लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सौहार्द समाप्त हो चुका है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के सवाल पर गिरिराज ने कहा कि कांवड़ियों पर अगर हिंदुस्तान में पुष्प वर्षा नहीं होगी तो कहां बरसाए जाएंगे, ये बताएं कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दे। चाइना की तरह कड़ा कानून हो, आर्थिक प्रतिबंध लगे, कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ये विकास के सीमित संसाधन की चर्चा हमने की। पर कैपिटा जमीन अभी देश में 2011 के आंकड़े के मुताबिक 0.11 था, जो आज की तारीख में अभी उसका कोई नया रिपोर्ट नहीं आया। होगा देश में कानून बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देश एनार्कीजम से तो नहीं चलता। सर, आपने जो जवाब दिया उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक सवाल ये और रह जाता है कि जो आपकी राजनीतिक विरोधी हैं, अब आप इस बात को लेकर चुनाव से पहले कहेंगे और जगह जगह आप रैली कर रहे हैं, 2008 से कर रहे हैं, लेकिन वो इससे कहीं ना कहीं आपसे सहमत तो नहीं है ना? वो तो कहते हैं कि अब ध्रुवीकरण के लिए आप ये सारा काम ऐसा है, उनको क्या जवाब देंगे? उन्हें मुझे जवाब ही नहीं देना। हम जनता को जगाने का, जनता मुझसे सहमत भी होगी और असहमत भी होगी। अगर सहमत का वातावरण बनेगा देश में, उस दिन कानून बनेगा। ये लोकतंत्र है कि मैं नहीं जानता, मुझे अभी किसी ने बताया कि ओवैसी की जो जुबान खुली है और वो मैं समझता हूं कि जो कानून आड़े आ जाए उसे धर्म से जोड़ देते हैं, और कानून का पालन करना सबका कर्तव्य है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मैं नहीं जानता कि सिटी मजिस्ट्रेट ने कौन सा कानून, कौन सी पत्र निकाला है, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर कानूनन उन्होंने दी है तो कानून का पालन करना चाहिए। नवाज पढ़ने के लिए कोई जरूरी है कि आप पार्क को कब्जा कर लें? आप अपने घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, जहां हो वहां पढ़ें। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कानून आ जाए तो उसे धर्म से जोड़ते हैं, ये नहीं चलेगा। एक चीज कही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कावड़ियों के लिए सॉफ्ट रहता है और एक विशेष प्रजा, ये हार्ड है। ये आरोप लगाने का काम ना करें, ये इमरान खान की आवाज ना बने। जो पाकिस्तान बोल रहा है वो ना बोले। भारत ऐसा सौहार्द नहीं रहा। पाकिस्तान में 22-23% हिंदू गए थे, आज 1% से नीचे हैं। सैकड़ों मंदिरें ढह गई, भारत में लाखों मस्जिदें बन गई। हम तो प्यार से गले लगाए हुए हैं। और कमरिया को कि अगर जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है? भारत में कमरिया नहीं जाएगा तो क्या, कहाँ जाएगा? उनकी चलने पे नहीं, वो कह रहे उन पे फूल बरसाए जाते हैं, हमारे उन पर फूल बरसाए जाते हैं और लाठी बरसाए जाते हैं, और भारत में नहीं बरसेगा तो कहाँ बरसेगा?